इलेक्टोरल बॉन्ड्स का असली सच क्या ये है, देश का सबसे बड़ा घोटाला या इंडिया की सक्सेस स्टोरी? क्यों विपक्ष के लिए है ये सुनहरा मौका? स्कैम, सक्सेस या स्कीम, क्या है इसकी सच्चाई? आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको इस हॉट टॉपिक की हर डिटेल। नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर कांच तब गिरी जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3 हफ्तों के अंदर अंदर 19 अप्रैल 2019 से खरीदे गए बॉन्ड्स की डिटेल सबमिट करने का ऑर्डर दिया। यहां आपको बताना जरूरी है कि सिर्फ SBI को ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स इश्यू करने का अधिकार है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ कर दी थी कि SBI को 13 मार्च तक इन्फॉर्मेशन पब्लिक करनी पड़ेगी। इस फैसले के पीछे एक अहम कारण था लोकसभा चुनाव, क्योंकि इसी समय इलेक्शन कैंपेन्स जोरों पर थे। इसके पहले भी 16 फरवरी को लोकसभा चुनाव प्रचार के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को दिया था एक बड़ा झटका। दरअसल 2018 में आई उनकी चुनावी चंदे वाली स्कीम को असंवैधानिक, मनमानी और संविधान के आर्टिकल 14 के प्रति उल्लंघनकारी स्कीम बताते हुए उसे निरस्त कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपना फैसला सुनाया था। दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में ये साफ साफ लिखा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय इलाके के अंदर कानून और उसकी सुरक्षा के प्रति इक्वालिटी से मना नहीं करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये स्कीम इस स्टेटमेंट का उल्लंघन कर रही थी। चलिए जानते हैं आखिर क्यों है ये स्कीम इतनी विवादित। ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस का नाम डायरेक्टली बॉन्ड परचेजर्स की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के सेंट्रल ऑर्गन लिबरेशन ने 24 मार्च 2024 को दीपांकर भट्टाचार्य की एक रिपोर्ट में ये बात साफ कर दी कि लिस्ट में अंबानी की छाप साफ साफ देखी जा सकती है। वहीं कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा टाटास पॉलिटिकल डोनेशन देते हैं। यही नहीं बल्कि इस विवादित लिस्ट में कई शेल कंपनीज के नाम पर अडानी कनेक्शन पाए जाने की भी बात की जा रही है। बीजेपी के खाते में आए 8,252 करोड़ के बॉन्ड्स, जिनकी वैल्यू रिडीम हुए बॉन्ड्स की टोटल वैल्यू 16,492 करोड़ से भी 50% ज्यादा है। लिस्ट में सबसे विवादित नामों में से एक है सेंटियागो मार्टिन्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, जिस पर कई सीरियल रेट्स तो पड़ी ही हैं, बल्कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी कंपनी पर कसी थी नकेल। बात करें सबसे महंगे इलेक्टोरल ट्रस्ट की, तो प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बीजेपी को फिस्कल ईयर 2017 में अपनी टोटल इनकम का 85% डोनेट किया था। द वायर की एक रिपोर्ट माने तो ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट की गई अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में 5 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन सभी के द्वारा जुटाए गए 366 करोड़ में से 259.08 करोड़ बीजेपी को मिले। इसमें मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील, अभिनंद वेंचर्स और मेधा सर्वो ड्राइव शामिल थे। चलिए अब करते हैं एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप भौचक्के रह जाएंगे। तो सुनिए, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर आए सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के को फाउंडर जवेरी सोली पूनावाला की प्रॉपर्टीज को ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 8 मई 2023 को ही अपने कब्जे में ले चुकी है। वहीं आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एक कोर्ट केस में फंसा है। गौर करने वाली बात तो ये है कि ठीक 2 साल बाद 2021 में मेधा सर्वो ड्राइव्स को वंदे भारत जैसे ट्रेन सेट्स बनाने के लिए 2,211 करोड़ का टेंडर मिला। अब ये सब महज इत्तेफाक है या सोचा हुआ गेम प्लान, ये समझना हम आप पर छोड़ते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, आप अपने पसंद के टॉपिक पर भी देख सकते हैं हमारा फुल एनालिसिस, बस कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। फिलहाल इस तरह के वीडियोस के लिए इंस्टाफीड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें।